एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, हुनर तो सब में होता है लेकिन किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। ऐसे ही आज मैं बात करूंगा MBA चाय वाले प्रफुल्ल बिल्लोर के बारे में, जिन्होंने अपने मेहनत और हार्ड वर्क के दम पर सिर्फ चाय का स्टार्टअप शुरू करके बहुत छोटी सी उम्र में सफलता हासिल कर। अगर इनके स्टार्टअप से पहले की करियर की मैं बात करूं तो इन्होंने 3 साल पहले कैट का एग्जाम दिया और चाय बनाने से पहले इन्होंने होटल में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब भी किया, लेकिन ये जॉब से सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि इन्हें अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना था। लेकिन उस समय प्रफुल्ल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सके, लेकिन इन्होंने बहुत ही ज्यादा हिम्मत जुटाकर फैमिली से पैसे मांगे और इन्होंने खुद का चाय का स्टार्टअप शुरू किया। इन्होंने अपने ब्रांड का नाम बहुत ही ज्यादा यूनिक रखा MBA चाय वाले, क्योंकि उस समय ये MBA भी कर रहे थे। चाय का सेल करने का तरीका बहुत ही ज्यादा यूनिक था क्योंकि ये इंग्लिश में बात करके लोगों से रोड पे चाय बेचा करते थे, जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। अगर इनके एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो इन्होंने सोशल वर्क बहुत ज्यादा किया। इनके पास जो भी चाय पीने आता था और उसको जॉब की जरूरत होती थी, वो साइड में अपना नाम और नंबर लिख कर चला जाता था और जिसको भी जरूरत होती थी वो उससे कनेक्ट कर लेता था, जिससे इनकी चाय की अलग ही ब्रांडिंग होने लगी। प्रफुल्ल कहते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे आप शादी कर लें, या फिर जिससे शादी हो गई है उसी से आप मोहब्बत कर लें। इसलिए प्रफुल्ल को चाय से तो मोहब्बत थी ही, इसलिए उन्होंने शादी कर ली और चाय को अपना बिजनेस बना लिया। टपरी से शुरू हुई चाय की शॉप आज MBA चाय वाले का एक ब्रांड बन चुका है। इसलिए कहते हैं अगर आप कुछ अलग करने की ठान ले, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।